क्या हुआ? अदालत ने मारा पासा तुम दोनों ने पलटा और तब जान का डर नहीं लगा था के? ये सोचा था तुम दोनों ने कि राजेंद्र टोंक का पैसा लेकर उसका काम ना करोगे? मुझे माफ कर दो राजेंद्र भाई, वो शेखावत अंकल ने हमें ज्यादा पैसे दे दिए। मैंने भी लालच में आकर टॉम साहब, मैं तुम लोगों को समझ चुका हूँ। तुम लोग काबू में आओगे धमकी से, मौत की धमकी से। सर, उस जासूस लश्कर सिंह के ऑफिस फिर गया था, अभी भी ताला लगा हुआ है। मुझे तो लगता है वो कहीं भाग गया है। लश्कर सिंह का मिलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो प्रोसिक्यूटर देसाई पिताजी और मेरे बीच के बैर का फायदा उठाएगा और इसमें नुकसान मेरे भाई का होगा। पर सर, 12 साल पहले आप अपने फादर के खिलाफ केस लड़े थे। वरुण, ये कहानी 12 वर्ष पूर्व उस केस की नहीं है। ये कहानी मेरे कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। मेरे पिताजी इस शहर के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपतियों में से एक थे। स्पष्ट है कि बड़ा बेटा होने के नाते वो चाहते थे कि मैं उनका उद्योग संभालूं, काम में उनका हाथ बटाऊं। किंतु मुझे वकालत करनी थी। वकील बनने के लिए सबसे पहली पैरवी मेरी माताजी ने की थी। अगर वो वकालत पढ़ना ही चाहता है तो पढ़ने दीजिए, एक दिन बहुत बड़ा वकील बनेगा तो आप ही का नाम रोशन होगा। मेरा नाम रोशन करने के लिए मुझे अपने सिवा किसी और की जरूरत नहीं है। मेरे बेटों की मोहताजगी नहीं चाहिए मुझे। मेरा नाम रोशन करेगा, इतना करोड़ों का कारोबार है हमारा, वो छोड़ के वकील वकील खेलने के चक्कर में पड़ गए साहबजादे। खैर, अब तुम माँ बेटे ने तय कर ही लिया है तो ठीक है, बनने दो उसे वकील। वैसे भी हमारी कंपनियों में हमें अच्छे भरोसेमंद लॉयर की जरूरत तो पड़ती ही रहती, लेकिन हाँ उसे कह देना कि जैसे ही पढ़ाई खत्म हो वो सीधा मेरे पास आएगा और कहीं नहीं जाएगा। वादे अनुसार मैंने वकालत पूरी करने के बाद पापा की कंपनी ज्वाइन की, उनके कंपनी में वकील बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एक दिन वो केस उठा जिसने हमारे रास्ते और रिश्ते दोनों को बदल कर रख दिया। कैसा केस? तुम मेरे बेटों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। ये सारी मुसीबत तुम्हारी बच चलने की वजह से हुई है। अंकल आप मेरा विश्वास कीजिए ना, मैंने अभिनव को धोखा नहीं दिया, मैं सच में किसी गुल्लर को नहीं जानती हूँ। मुझे बरखा पर विश्वास है, वो अभिनव को धोखा नहीं दे सकती है। इस घर की बहू बनने वाली है। जब घर का बेटा ही घर में नहीं रहा तो ये होने वाली बहू किस काम की? निकल जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ आने की हिम्मत तक मत करना। अंकल प्लीज। आई सेड लीव। आप इन्हें समझाइए ना। वो मेरा वकील है, उसके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। निकल जाओ मेरे घर से, ये मिस्टर शेखावत का तकिया कलम बन गया। सर आपको क्या लगता है, बरखा सच बोल रही? पता नहीं, सच बोल रही है झूठ, इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। मिस्टर कुल्लर के बंगले पे जाओ और वहां देख कि बरखा के वहां होने की कोई निशानी मिलती है या नहीं। राइट सर। के काम सर जी, मेरा नाम वरुण है,
केडी पाठक असिस्टेंट हूँ मैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। शेखावत के बेटे? जी हाँ। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था उजागर सिंह, वो नहीं दिख रहा। दो दिन हो गए छुट्टी पे। और घर पे कोई है? कोई ना। साहब, मैं अपना बयान बदलना चाहता हूं। उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। सच ये है कि उस रात अभिनव मेरे घर से 11 बजे नहीं 8 बजे ही निकला था अपनी गन लेकर। कमिश्नर के तुम्हें जान लेकर रहूंगा। अभिनव, तुम्हारा खास दोस्त हाथ में गन लिए आंखों में खून सवार किसी को मारने जा रहा है और तुमने कुछ नहीं किया? हाँ जी किया, मैंने उसी वक्त मिस्टर शेखावत को फोन किया था। जी अंकल, एक्चुअली अभिनव जगदीश खुलर के घर गया उसे मारने, वो भी गन लेकर। अंकल प्लीज आप कुछ कीजिए, वरना कुछ हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी खुलर के घर पहुंचता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। मिस्टर शेखावत, आप प्लीज बैठ जाइए। भाई राहिल, पिछली बार तो तुमने ये बताया था कि अभिनव पूरी रात तुम्हारे साथ था, वो खून कर ही नहीं सकता। मिस्टर शेखावत ने मुझे पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। हाँ दिए थे पैसे मैंने, लेकिन वो सच बुलवाने के लिए, क्योंकि मुझसे पहले ही इस टोंक ने तुम्हें खरीद दिया था। मिस्टर शेखावत प्लीज बैठ जाइए। साहब, मिस्टर शेखावत ने मुझे पैसों का लालच देकर मुझसे झूठ बुलवाया था साहब। अब मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था उस रात को, बताओ। साहब उस रात में गेट पर ड्यूटी में ही था। यही थे जिन्होंने उस दिन घर के अंदर घुसकर मेरे साहब पर गोली मारी, और उस समय साहब इनके कपड़ों में खून भी लगा हुआ था साहब। और एक बात सर, उस दिन बंगले पर एक आदमी और आया था। कौन? वो मिस्टर शेखावत। साइलेंट योर ऑनर, अब तो क्लियर हो गया है कि मिस्टर अभिनव ने ही मिस्टर कुल्लर का खून किया है, और इस केस को शुरू से ही दबाने की कोशिश कर रहे थे मिस्टर शेखावत। पहले अपने बेटे का साथ देकर, उसके बाद इसे मौका वारदात से भगाकर, और अब गवाहों को खरीद कर। वाह मिस्टर पाठक वाह, कमाल की रंगीन फैमिली है आपकी। योर ऑनर, मैं अदालत में अपना गवाह पेश करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है? कृपया अदालत को अपनी पहचान दीजिए। जी जासूस लश्कर सिंह,
लश्कर सिंह जी, 8 जनवरी को मेरे मुवक्किल श्री अभिनव शेखावत आपके कार्यालय आए थे केस को लेकर। आए थे जी। क्या केस था? ये चाहते थे कि मैं इनकी मंगेतर बरखा जी का पीछा करूं। इन्हें शक था कि बरखा जी का किसी के साथ चक्कर है। इस बात की खोज की आपने? जी। क्या परिणाम निकला आपके खोज का? अभिनव जी का शक सही था। बरखा जी का डिप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर खुल्लर के साथ कुछ चल रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। लश्कर सिंह जी, इस केस में आपकी गवाही शुरुआत से अहम रही है। इतने दिन कहां लापता हो गए थे आप? जी, मैं भाग गया था डर के मारे। किस बात का डर था? दरअसल जिस रात मिस्टर खुल्लर का मर्डर हुआ, उस रात मैं उनसे मिलने उनके घर गया था। खुल्लर साहब, खुल्लर साहब। मैं वहां से इसलिए भागा था कि किसी को यह ना लगे कि मैंने ही मिस्टर खुल्लर का मर्डर किया, और क्योंकि मैं उनके घर कैमरा भूल गया था। उस दिन कैमरा लेने के लिए मैं उनके घर गया तो वहां पर मिस्टर वरुण थे। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ते, मैंने सोचा मैं उन्हें बेहोश करके वहां से भाग जाऊंगा, लेकिन आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि आप वहां गए क्यों थे। जी, उन्हें ब्लैकमेल करने। क्या है कि मेरे पास उनकी और बरखा जी की कुछ तस्वीरें थी। अगर वो अभिनव जी से मुझे ज़्यादा पैसे देंगे तो मैं वो सारी तस्वीरें मिटा दूंगा, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। हाँ, लेकिन जब मिस्टर खुल्लर ने आपकी इस धमकी को मानने से इनकार कर दिया, तब आप भड़के। आप दोनों के बीच में हाथापाई हुई और आप ही ने उनकी नहीं हत्या। मैंने उन्हें नहीं मारा, कसम से। मैं तो बस उन्हें ब्लैकमेल करने वहां गया था, ऑफर देने। और यही ऑफर इससे पहले मैंने बरखा जी को भी दिया था। फाड़ दीजिए मैडम, कॉपी सी तो है। ओरिजिनल तो मेरे इस कैमरे में कैद है। तो बोलिए, ऑफर मंजूर है या? मैं तुम जैसे इंसान की धमकियों से नहीं डरती, समझे? अभिनव को मैं अपनी तरह से हैंडल करूं। गेट लॉस्ट। एक छोटी सी समस्या है लश्कर सिंह जी। बरखा जी का यह कथन है कि आपसे मिलना तो दूर वो मिस्टर खुल्लर को जानती तक नहीं थी। झूठ बोलती है सर वो। मेरे पास तस्वीरें हैं उनकी और खुल्लर जी की। नहीं तो कहां है वो तस्वीरें? वो मैंने डर के मारे जला दी, ताकि मेरा नाम खुल्लर जी के साथ कनेक्ट ना हो। तो जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स थी, वो किसी डिस्क पर थी, चिप पर थी, कहाँ थी? मेरे कैमरे में कैद थी। वही कैमरा जो मैं खुल्लर जी के घर पर भूल आया था। और ढूंढने पर भी आपको नहीं मिला होगा कैमरा? जी नहीं। योर ऑनर, विचित्र बात यह है कि वो कैमरा पुलिस को भी मौकाए वारदात से बरामद नहीं हुआ, जिसका अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति वहां उस कैमरा को ढूंढने गया था और उसी व्यक्ति ने वहां से उस कैमरा को ओझल किया है। जी, मैं जब मिस्टर खुल्लर को जानती ही नहीं, तो मैं उनके घर कैमरा लेने कैसे जाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप जानती थी ना उनको, क्योंकि लश्कर सिंह जी के कथन के अनुसार आप थी उन तस्वीरों में जो लश्कर सिंह जी ने खींची थी, और वो कैमरा खुल्लर साहब के घर पर वो भूल आए थे, तो आप वो कैमरा लेने गई थी ना वहाँ? जी नहीं। नहीं, आप गई थी? नहीं। आप नहीं गई? नहीं गई। आप कभी खुल्लर साहब के घर नहीं गई? जी नहीं। Are you sure? हाँ। तो ये बताइए बरखा जी, खुल्लर साहब के घर के कूड़े दान में से ये टिश्यू बरामद हुआ जिस पर किसी महिला के होठों का रंग लगा हुआ है, इसकी फोरेंसिक जांच करने पर पता चला कि इसका डीएनए आपके डीएनए से मैच हुआ, ये कैसे संभव हुआ जब आप वहां गई ही नहीं? तो हाँ, ये टिश्यू मेरा ही है, पर हो सकता है उसे किसी ने जानबूझ के वहां फेंका हो। इन्हें फंसाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिस्टर शेखावत को फंसाने के लिए इनके कोट का बटन वहां मौकाए वारदात पर डाला गया था। वैसे मिस्टर पाठक,
आपके पिताजी तो फंस चुके हैं, अब आप बरखा जी को क्यों फंसा रहे हैं? क्योंकि मिस्टर देसाई, या तो लश्कर सिंह जी झूठ बोल रहे हैं या बरखा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि दोनों में से झूठा कौन है। जी मैं सच बोल रही हूँ, मेरा उस कूलर से कोई लेना देना नहीं है। ना कैमरा है ना तस्वीर है, फिर साबित कैसे करेंगे? योर ऑनर, कैमरा भी था और चित्र भी है, केवल चित्र नहीं चलचित्र है यहाँ। लश्कर सिंह ने अपने कथन में कहा था कि उन्होंने बरखा जी और खुल्लर साहब को आमेर रोड के सनशाइन रेस्टोरेंट में 10 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे देखा। वहां के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज अदालत में चलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। तो बरखा जी, क्या आप अभी यही कहेंगे कि आपको कोई फंसा रहा है? जी हाँ, मेरा जगदीश के साथ अफेयर था। लश्कर सिंह ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सच है। मैं मानती हूँ मैंने अभिनव को धोखा दिया, पर मैंने किसी का खून नहीं किया। She's lying, धोखेबाजी, झूठी है ये। ऐसे मत कहो अभिनव, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज, ये प्यार का ड्रामा बंद कर दो प्लीज। देखो अभिनव, मैं अगर तुमसे प्यार नहीं करती तो शायद वो सारी बातें मैंने पुलिस को अब तक बता दी होती, पर मैं चुप थी ना, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की वजह से। किस सच्चाई की बात कर रही है? बता दूं? हाँ, बताइए बताइए बताइए, क्या सच्चाई है बताइए। जिस रात जगदीश खुल्लर का खून हुआ था, उस रात मैं उसी के साथ थी, उसके घर पे। अभिनव, तुम? अभिनव रुको, रुको बस, गोल दे, चलाओ गोली। नहीं अभिनव, नहीं। जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा, जाओ। और तुम? मेरे दोस्त की बेटी हो इसलिए छोड़ रहा हूं तुम्हें, लेकिन इस बात का सरासा भी जिक्र कहीं भी हुआ तो तुम्हारी इज्जत की इतनी धज्जियां उड़ा दूंगा कि समेट समेट कर तुम्हारा बाप मर जाएगा। झूठ बोली है ये, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था भाई, शी इज लाइंग। भैया झूठ है, रहने जाता है ना, और कितनी दवाइयां चाहिए इसके खिलाफ? हिरासत में लीजिए इसको, हिरासत में लीजिए इसको, मैं बोलता हूं। भाई साहब साइलेंट, माधव सिंह पिताजी के तेल के कारखाने में काम करने वाला एक मजदूर था। एक दिन मशीन में उसका हाथ आ गया और कट गया। उसके खोए हुए हाथ के लिए मजदूर ने भारी मांग रखी, हड़ताल पे गए, यूनियन ने पिताजी पर केस कर दिया। उस पर केस करेगा करणवीर शेखावत पर? एक फूटी गाड़ी नहीं दूंगा मैं उसे। उसे पता नहीं है कि मेरा वकील मेरा अपना बेटा है, विलायत से वकालत पढ़ के आया है, धज्जियां उड़ा देगा उसकी कोर्ट में। लेकिन पिताजी, जब यह हादसा हुआ माधव सिंह ड्यूटी पर था और लेबर एक्ट के अनुसार उसका हर्जाना तो उसे देना ही पड़ेगा। काहे का हर्जाना? अरे अपनी लापरवाही से उसने अपना हाथ खोया है, शराब के नशे में धुत होकर आया था वो ड्यूटी पर। ये बात नहीं जानता था मैं। तो अब जान गए हो ना, तो अब जाओ लड़ो। ये केस एक मिसाल होना चाहिए हर उस मजदूर के लिए जो ब्लैकमेल करने के लिए हमें चला आता है। गो एंड फाइट माय बॉय। तहकीकात करने पर पता चला कि माधव सिंह की भूल नहीं थी, उस दिन नशे में नहीं था, दोष हमारे ही कारखाने की मशीन्स की थी, जिसके कारण माधव सिंह
और उसके 8 सदस्यों का परिवार पाई पाई का मोहताज हो गया। यानी उसे हरजाना मिलना चाहिए था। लेकिन मैंने जब उनसे ये बात कही तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। कहा कि अगर मैं केस नहीं लड़ पा रहा हूं तो छोड़ दूं, वो किसी और वकील को नियुक्त कर लेंगे। लेकिन मुझसे यह अन्याय देखा नहीं गया। मैं केस लड़ा लेकिन माधव सिंह की ओर से, अपने पिताजी के कंपनी के अगेंस्ट। हाँ, केस जीत कर मैंने माधव सिंह को उसका हरजाना तो दिलवाया, लेकिन वो जीत मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार थी। सबसे बड़ी हार तो उस दिन मेरी हुई। उस दिन मैंने अपने बड़े बेटे को खो दिया और आज अपने छोटे बेटे और पति को खो रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। मैं बहुत जल्द अभिनव और पिताजी को घर वापस ले आऊंगा। वादा? वादा। और उनके साथ तू भी घर वापस आएगा? वादा? सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है, यही था ना तुम्हारा नारा? पर शायद पिछले 12 साल से तुम ये नहीं समझ पाए कि दुनिया में सबसे बड़ा सच होता है ना अंतरात्मा, ना भगवान, ना आदर्श, सबसे बड़ा सच है पैसा। और वही आज अदालत में तुमने देखा और सुना। तुम तुम्हारे कायदे कानून के झंडे लहराते रह गए और वो टोक सबकी नजरों के सामने अपनी दौलत से पूरी अदालत खरीदता चला गया। और तुम कुछ नहीं कर पाए मिस्टर पाठक, कुछ नहीं। अब तो समझो पैसे का मोल। कैसा मोल? लाखों करोड़ों लोगों के पास में लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, किंतु सत्य कितने लोगों के अंदर मिलता है? जो वस्तु सत्य से पाई जा सकती है वो धन से खरीदी नहीं जा सकती। इंसाफ के तराजू से तोला जाए तो सत्य का वजन धन से कहीं ज्यादा है। ये केस मैं जीतूंगा आपके ताकत और दौलत के बलबूते पर नहीं, अपने सत्य के आधार पर। देखेंगे आप वंस एंड फॉर ऑल। तुम्हारा ये सच का जाप छोड़ दो और इस केस को मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो। दिल्ली तक पहुंच है मेरी, 4 दिन के अंदर अंदर मेरी जगह पर ये टोक हिरासत में होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी, तुम्हारी सेहत तुम्हें ले डूबेगी और साथ में हमें भी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछली गवाही के दौरान तो सारे गवाह पाठक साहब के पिताजी और भाई। सॉरी सॉरी, अभी अदालत में तो आपका कोई पिता और भाई नहीं होगा ना? इनके मुवक्किल के खिलाफ गवाही दे रहे थे, तो अब ये बताइए कि अब आप क्या करेंगे हैं? विजय साहब, स्कूल में जब कोई प्रश्न मुझे समझ में नहीं आता था, मैं बार बार उस प्रश्न को पढ़ता था जब तक समझ में ना आ जाता और उसके उत्तर तक पहुंचता था। आपने भी यहाँ अदालत में कुछ ऐसे प्रश्न किए हैं जो मेरी समझ में नहीं आए। एक बार फिर उन प्रश्नों को दोहराना चाहूंगा उनके उचित उत्तर तक पहुंचने के लिए। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं उजागर सिंह जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। उजागर सिंह जी, आपने कहा था कि अभिनव शेखावत हत्या करके वहां से भाग रहे थे, तो आपने इन्हें रोकने का प्रयास किया और इन्होंने आपको धक्का दिया जिसके कारण आपके हाथों में ये चोट लगी। जी, एक बार कृपया अपना बैंडेज खोलकर अपना घाव दिखाएंगे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, किसी का घाव खोरे ना कौन सी सही बात है?
इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। योर ऑनर, मैं घाव खुरेद नहीं रहा, केवल देख रहा हूं, और इसका इस केस से ताल्लुक है। ओवरूल्ड। या, जो घाव है ये ऐसा तो नहीं लग रहा उजागर सिंह जी की। मेरे मुवक्किल के आपको धक्का मारने के बाद आप जमीन पर गिरे और आपका हाथ रगड़ गया जमीन पे। जब जमीन पर हाथ रगड़ता है तो खरोचे पड़ती है, तो आपका हाथ कटा हुआ है। वैसे भी कुल्लर साहब के बंगले के बाहर जो मिट्टी है वो तो चिकनी है, तो वहां गिर कर हाथ रगड़ कर इस प्रकार से कटना तो असंभव बात है। हुआ ये होगा कि प्रथम बार जो आप कह रहे थे अदालत में कि जिस समय कुल्लर साहब की हत्या हुई आप घर चले गए थे खाना खाने, तो आप जब घर गए खाना खाने, आप खाने के साथ में प्याज खाना चाहते थे, प्याज काटते वक्त आपका हाथ कटा। ये आपसे किसने कहा? आपके पड़ोसी हिम्मत लाल जी ने। तो कह रहे थे कि आप उस रात उनसे दवा और पट्टी मांगने गए थे क्योंकि आपके घर में थी नहीं। इसका अर्थ यही हुआ कि आपका हाथ आपके घर में कटा, तो जिस समय कुल्लर साहब की हत्या हुई आप अपने घर में थे। वो झूठ झूठ बोल रहा है। तो क्या आपकी पत्नी रेणुका जी भी झूठ बोल रही है? क्योंकि उनका भी यही कथन है कि जिस समय कुल्लर साहब की हत्या हुई आप ड्यूटी पर नहीं थे, आप घर गए थे खाना खाने। क्या मेरी पत्नी ने आपसे ऐसा कहा? और उन्होंने ये भी बताया हमें कि बहुत ढेर सारे रुपए आपको दिए गए थे झूठी गवाही देने के लिए, अदालत में झूठ बोलने के लिए दे गए थे ना भाई। बोलो, पैसे दिए गए थे या नहीं? बार बार कह रही थी पैसा पैसा पैसा, और जब पैसा लाकर दिया मेरी पीठ में ही छुरा मार दिया। समझाया था किसी से कुछ मत कहना, अपना मुंह बंद रखना, लेकिन वो औरत मुंह बंद ना रख सकी। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए, दोष नहीं देंगे उस बेचारी को, उनका मुंह तो बंद ही था। आपका मुंह खुलवाने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। खुल गया ना आपका मुंह? चलिए अभी खुले मुंह से बता दीजिए कि किसने रुपए दिए थे आपको झूठ बोलने के लिए, मेरे मुवक्किल के विरुद्ध झूठी गवाही देकर इन्हें फंसाने के लिए किसने दिए थे रुपए? राहिल साहब, आपने कहा था कि मेरे मुवक्किल अभिनव शेखावत आपके साथ रात के 8 बजे तक थे, जिसके पश्चात हाथ में गन लिए गुस्से में रुलसते हुए ये कुल्लर साहब के बंगले पर चले गए थे उनकी हत्या 9 बजे के आसपास, राइट? जी। आपने ये भी कहा था कि इनके जाने के तुरंत बाद आपने इनके पिताश्री शेखावत साहब को फोन किया था उन्हें सचेत करने के लिए, ये भी सही है? जी। ये संभव नहीं है राहिल साहब, क्योंकि आपके फोन कॉल के रिकॉर्ड्स के अनुसार आपके मोबाइल फोन से कोई फोन गया ही नहीं। ये देखिए, उस समय कोई फोन किया ही नहीं गया। वो मैंने सेल फोन यूज नहीं किया था, लैंडलाइन से फोन किया। लैंडलाइन की सूची भी है मेरे पास, ये देखिए। इससे भी श्री करणवीर शेखावत को कोई फोन नहीं किया गया। मुझे पूरा याद है, मैंने फोन किया था। हाँ किया था, फोन किया था, लेकिन शेखावत साहब को नहीं, बरखा जी को। ये देखिए, बरखा को आपने फोन किया इनके जाने के बाद, संभवतः इसलिए क्योंकि आप उसे बताना चाहते थे कि अभिनव उनके बारे में जान गए, बरखा को सचेत करना चाहते थे। क्यों बरखा को सचेत करना चाहते थे आप? क्यों बरखा को फोन किया था आपने? जी मैंने फोन नहीं किया। बरखा को फोन किया था आपने क्योंकि बरखा के साथ आप मिले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने फोन नहीं किया। इस बात का कोई गवाह है जो ये कह सके कि आपने बरखा को फोन नहीं किया था? अभिनव। अभिनव मतलब? क्योंकि अभिनव मेरे साथ देर रात तक था। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, तो पहले आपने क्यों कहा कि ये 8 बजे ही चले गए थे अपनी गन लेकर? मतलब पहले झूठ बोल रहे थे आप? झूठ बोल रहे थे आप?
झूठ बोल रहे थे या नहीं? जी, किसके कहने पर झूठ बोल रहे हैं? मिस्टर टॉम, साइलेंट साहब, उन्होंने पहले हमें पैसे देकर हमसे झूठ बुलवाया था। कहा था कि आपसे और पुलिस से पहले हम झूठ कहें। हमारे साहब को उसी लड़के ने मारा। अदालत में छोड़ेंगे नहीं उसे, सब सच सच कहेंगे। लेकिन अदालत में आने से पहले मिस्टर शेखावत ने हमें उससे भी ज्यादा पैसे दिए थे ताकि मैं झूठ न बोलूं और अदालत में सच कहूं। उस रात अभिनव मेरे साथ शाम 7 बजे से तकरीबन रात 11 बजे तक था और मिस्टर खुलर की मौत 9 बजे हुई। तो जाहिर है अभिनव बेकसूर है। पर इसके बाद टॉमसन ने हमारी इतनी धुलाई की कि डर के मारे साहब हमने अपना बयान बदल दिया। और इस बार मिस्टर शेखावत को भी फंसा दिया। तो टोंग साहब, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सत्य की ताकत के सामने पैसों का कोई मोल नहीं। हाँ, मैंने इन दोनों से झूठा बयान दिलवाया था क्योंकि शेखावत हमारा दुश्मन है और दुश्मनों को चोट पहुंचाकर मरने करोड़ों का फायदा होता। हाँ, तो करोड़ों का और फायदा पाने के लिए आपने अपने दुश्मन के सुपुत्र को इस जाल में फंसाया कुल्लर साहब की हत्या करके। नहीं, अगर मैं कहूँ कि हत्या के समय किसी ने आपको कुल्लर साहब के बंगले में देखा था हाथ में कोल्ट पिस्टल लिए, तो क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा वो आदमी अंधा है। सर जी, मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई खून ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रुमाल फिर आपका कुल्लर साहब के सोफा के पास कैसे पाया गया? सर जी, मैं रुमाल रखता ही नहीं, ये मारा नहीं है। मिस्टर पाठक, आपके तुक्के हर बार हर किसी पे चलने वाले नहीं है। मिस्टर टोंग बेकसूर है। जानता हूँ, ये रुमाल उनका नहीं, मेरा ही है, केवल आजमा रहा था। नहीं नहीं, आप इन्हें नहीं, आप हमें आजमा रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपके मुवक्किल पे से अभी तक हत्या का दोष हटा नहीं है। हट जाएगा देसाई साहब। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में बरखा जी ने जो कथन दिया था वो मेरी समझ में नहीं आया। विस्तार से उसे समझने के लिए मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। योर ऑनर, मैं अदालत को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली सुनवाई में बरखा जी ने अदालत में यह कथन दिया था कि 9, 10 और 11 जनवरी को जब जासूस लश्कर सिंह जी ने इनकी कुल्लर साहब के साथ तस्वीरें खींची थी, उस समय ये जयपुर में ही थी। सनशाइन रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरा में जो आपके चित्र हैं कुल्लर साहब के साथ, वो आप ही थी जी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जयपुर में ही थी, किंतु आपने उसकी पिछली सुनवाई में कहा था कि आप जयपुर में नहीं थी। जनवरी 9, 10 और 11 तारीख को आप आगरा में थी। आपने, याद है आपको, आपने फोटो दिखाई थी आगरा की, आपकी, आप आगरा में हैं, आपके मोबाइल फोन पर वो तस्वीरें थी, तो वो झूठी थी। हाँ, तस्वीरें झूठी थी। तो क्या राहिल खान साहब और उजागर सिंह साहब की तरह आपने भी इनके टोंक साहब के कहने पर झूठ बोला? अब जी नहीं, मैं मिस्टर टोंक को नहीं जानती। अच्छा, आप मिस्टर टोंक को नहीं जानती, पर आपने तो ये भी कहा था कि आप कुल्लर साहब को भी नहीं जानती। फिर आपकी जान पहचान निकली उनके साथ? देखिए, आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। बरखा जी, क्या आपने खुल्लर साहब का खून किया है? जी नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं थक गई हूँ ये सब कह के। पसीना क्यों आ रहा है आपको? लीजिए, पसीना पूछ लीजिए। ये जो मैं आपसे जब मिला था, आपसे वार्तालाप हुई थी मेरी, उस समय जब मैंने आपको रुमाल दिया था, आपने दाहिने हाथ से लिया था, इस बार बाएं हाथ से लिया। पाठक साहब, छोड़ो ने, अबे डाबो जमनो दायां बायां क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तो आपकी भाषा में पड़ा है, क्योंकि वही तभी जब वार्तालाप हुई थी हम दोनों के बीच, तो आप कुछ ऐसा कह रही थी, खून खान खत्म। लेकिन अब आपका उर्दू तलफ्फुज जो है वो बिल्कुल साफ है, खून खत्म खान। पाठक साहब,
पाठक साहब छोड़ो ने, अबे क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? ना छोड़िए ना, भाषा में क्या रखा है लाइए। असली नाखून है जी। इससे तो फर्क पड़ता है देसाई साहब, क्योंकि तभी जब ये रुमाल मैंने आपको दिया था, भाषा आपकी साफ नहीं थी, तभी आपके नाखून भी एकदम छोटे थे। अचानक कुछ ही दिनों में इतने लंबे नाखून, लंबे नाखून को छोटे होते हुए देखा है, लेकिन छोटे नाखून को लंबे होते हुए इतने कम दिनों में दिखा नहीं। मिस्टर पाठक, आपका इशारा किसकी तरफ है? मैं समझाता हूँ। अभिनव, मैं चाहता हूँ कि तुम बरखा से कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर तुम दोनों के अतिरिक्त और किसी के पास दो। बरखा, ये बताओ, हम हर साल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, उस दिन की कौन सी तारीख है वो? हाँ, बताती हूँ ना मैं। बताइए बताइए, सोच के बताइए, समय लीजिए। हाँ, वो तारीख मैं बस। बरखा, तुम्हें तो याद होना चाहिए ना। तो सही, हर साल तुम ही मुझे याद दिलाते, तुम याद कैसे नहीं है? योर ऑनर, प्रपोजल की डेट मिले ना मिले, लेकिन मिस्टर केडी पाठक को इस केस की अगली तारीख नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रहे कत्ल के सबूत, ये कॉल्ट 911 पिस्टल और ये टी शर्ट जिस पर खून लगा है, जो मिस्टर अभिनव शेखावत का है। और पुलिस को ये सबूत मिला है मिस्टर केडी पाठक की सूटकेस में से। और वो सूटकेस उनको मिला है उनके पिताजी मिस्टर करणवीर शेखावत के घर से। छोटे भाई ने खून किया, बाप ने सबूत मिटाए और बड़े भाई ने उस सबूत को छुपाने की कोशिश की। तीनों के तीनों मिले हुए योर ऑनर, केस खत्म। इस नए सबूत की पुष्टि हो जाने के बाद अगली सुनवाई पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। ये केडी पाठक को भी असलियत का अंदाजा होने लगा है। इससे पहले कि वो तुम तक पहुंच जाए, तुम्हें मरना होगा। बरखा, अब आइए इंस्पेक्टर साहब। चलें अदालत। जी, मैं बरखा नहीं, मेघा हूं, उसकी जुड़वा बहन। बरखा शर्मा वो रही। दरअसल बचपन में ही मुझे और मेघा को दो अलग अलग परिवारों ने एक ही अनाथाश्रम से गोद लिया था। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। जगदीश खुल्लर का अफेयर बरखा के साथ नहीं, मेरे साथ। अर्थात अभिनव और जासूस लश्कर सिंह दोनों को धोखा हुआ था। उन्होंने खुल्लर साहब के साथ बरखा को नहीं, आपको देखा था। जी हाँ,
और जब लश्कर सिंह मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वो तस्वीरें लेकर मेरे पास आया, तब अनजाने में उससे मुझे पता चला कि मेरी कोई हमशक्ल भी है। फिर अभिनव के शक के बिना पर मैंने उसे फंसाने का प्लान किया। तो ये बताइए कि कुल्लर साहब की हत्या करने के पीछे क्या कारण था? जगदीश कुल्लर के पास मेरे कुछ ऐसे एमएमएस थे जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे तो उसे बहुत पहले मार देना था। फिर मैंने सोचा कि उसे ऐसा मारूंगी कि पूरा शक अभिनव पे है। इसीलिए पहले मैं अभिनव के घर गई, बरखा बनकर। किसी को शक ही नहीं हो। और फिर मैंने उसके घर से वो गन चुरा ली। मर्डर के बाद मैंने अभिनव की वो टी शर्ट भी चुरा ली जो उसने उस रात पहनी थी। उसके बाद उसके ऊपर जगदीश कुल्लर की लाश से लिया हुआ खून भी लगा दिया। सारा काम हो गया था। फिर मैंने गन और टी शर्ट दोनों अपने पास रख लिए ताकि पुलिस का सारा शक सिर्फ अभिनव पे जाए। मैंने सोचा जब इतना सब कर ही लिया तो क्यों ना बरखा को मारकर मैं उसकी जगह ले लूं। बरखा बहुत अमीर खानदान से, और यही किया मैंने उसे किडनैप करके। और फिर वो टी शर्ट और गन मैंने आपके सूटकेस में छुपा दी ताकि एक बार वो पुलिस को मिल जाती ना तो अभिनव के ऊपर जगदीश कुल्लर के खून का इल्जाम साबित हो जाता। और फिर मैं अपनी पूरी जिंदगी बरखा बनकर अमीरी में जीती। और अफसोस की अब बाकी बची जिंदगी आपको सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। डिफेंस रेस्ट योर ऑन। ये अदालत मिस मेगा को जगदीश खुल्लर के कत्ल के जुर्म में दोषी पाते हुए फौरन हिरासत में लेने का आदेश देती है, और मिस्टर अभिनव शेखावत को और करणवीर शेखावत को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। बोले टिकट्स ले लिए तूने? जी सर। डोंट गेट इमोशनल ऑन मी। साल लग गए तुझे सफर तय करने में। पापा अपने कमरे में अरे अदिसा स्वास्थ्य का ध्यान रखना। रुको। चाहो तो रुक सकते हो। शेखावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को एक सीनियर लॉयर की जरूरत है। टर्म्स कंडीशंस तनख्वाह सब कुछ तुम्हारी मर्जी के। बोलो क्या कहते हो?
आप मेरी जगह होते तो क्या कहते? ना कह देता, सिद्धि बहुत है तो पिता पे गया।